नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज आप मेरे साथ में देख रहे हैं मिस्टर उमेश पांडे, जो कि एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं विद 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। यस यस यस, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। अभी अभी इनको एक सिल्वर प्ले बटन रिसीव हुआ है यूट्यूब की तरफ से। और मतलब आप शायद, आप में से काफी लोग वीडियोस फॉलो करते होंगे, और पांडे जी जो हैं वो जाते हैं लंबे लंबे ट्रैक्स पर, वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। आप काफी सारे व्लॉग्स देखेंगे, जैसे मयूर विहार के एरियाज के, कहाँ पर क्या चीजें फेमस हैं, कहाँ से आप अपने ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हुए किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैंपिंग कैसे करनी चाहिए, और बहुत कुछ। और केवल आप जो यूट्यूब जर्नी है, केवल मतलब वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम काफी देर से बातें कर रहे थे, और आई थिंक अगर हम वो बातें रिकॉर्ड करते तो एक एपिसोड ऐसे ही बन चुका वेलकम। होता अभी तक। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंकल, आप यहाँ आए और आपने टाइम दिया। जी मैं बहुत टाइम से पीछे पड़ी थी अंकल के, प्लीज आ जाइए आ जाइए। तो आज फाइनली आज ऐसा समय मतलब निकाल पाए। काफी टाइम से व्यस्त भी चल रहे थे, और इतना अच्छा मतलब जॉब भी करते हैं, मीडिया पर्सन हैं, और साथ ही में एक यूट्यूब चैनल भी, इतना सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल भी बिल्ड कर रहे हैं। तो लेट्स ब्रिंग इट ऑन एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ब्रिंग इट ऑन। वेलकम अंकल, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। काफ़ी दिनों से आपका आ रहा था, तो आज समय निकाला मैंने आपके यहाँ आने का, और आ गए यहाँ पर। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने हमको अरे बुलाया नहीं, थैंक यू सो मच, आप है। आए यहाँ पर। तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत धन्यवाद फॉर आपका। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और आपके प्ले बटन आपको रिसीव हुआ है जी हाँ, अभी 18 घंटे पहले आपने उसका वीडियो जी अपडेट जी किया जी है। जी हाँ, यस, मैंने वो वीडियो देखा, और मतलब उस पे तो कमेंट्स की लाइन लगी हुई है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेसबुक से लेकर। हाँ सही कह रहे हाँ हैं। जी, आप ये इसके बारे में बताइए, अपना यूट्यूब जर्नी के बारे में, कि कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं आप 1 लाख जी 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 सब्सक्राइबर्स तक। यूट्यूब जर्नी ये क्या था कि पहले मैं इसको जानता भी नहीं था। 2015 की बात थी, जब मैं कहीं एक ऑफिस में गया था, तो हमारे साइड का एक बंदा था जो यूट्यूब चैनल चला था, तो उनसे उन्होंने मुझे अपनी वीडियो दिखाई। तो मैंने कहा ये लोग, ये आपकी वीडियो क्या सभी लोग देख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ सभी लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसको सब्सक्राइब करो। मैंने कहा यार सब्सक्राइब कैसे करते हैं, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। उस टाइम पर हमारे पास इतने बड़े मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको ने यूट्यूब देखा भी नहीं था मैंने, क्योंकि हम काम पे इतने बिजी थे कि हमें ध्यान इस चीज़ का। तो जब उन्होंने आपको अपनी वीडियो दिखाई, तो मैंने कहा एक हम जब बचपन में पिक्चर दिखा करते थे, तो वैसे ही बिल्कुल जैसे बिल्कुल सेम दिख रहा था उसमें। उनका भी एक्टिंग अगर वगैरह अच्छा मेहनत की थी, तो वो देखा मैंने। तब से मैंने कहा यार इनके मोबाइल में कैसे आ गया। फिर मैंने भी अपने मोबाइल में सर्च किया, तो वो मेरे मोबाइल में भी आ गया। फिर मैंने अपने मिसिस के मोबाइल में देखा, तो उसमें मैंने यार कि यूट्यूब जो है वो सोशल सब में चला गया था। तो मैंने कहा मेरे को भी करना चाहिए काम। हाँ ये तो ऐसे ही फेमस हो बिल्कुल रहा हाँ। सब। तो मेरे ऑफिस में एक हमारे स्टाफ के बॉस थे हमारे, उनका नाम था मिस्टर अबीर शाह, जो हमारे ऑफिस में थे, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं। जब मैंने उनसे पूछा था, उनको मेरी बातें पसंद आती थी। आज भी अगर अबीर शाह देख रहे हैं, तो उनको मैं नमस्कार बोलता हूँ और बहुत याद करता हूँ उनको। अब वो हमारे कंपनी छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला पांडे जी इसको आप भी बनाओ, आप भी कर सकते हो उसको, अब करो। तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत सिखाया उसके बारे में कि YouTube यहाँ पर आता है, ऐसा वर्क करता है, ऐसे ऐसे इसमें टैग लगाने पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे सारे ये बताए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ से स्टार्टिंग में। तो उन्होंने बोला पैसा तुम्हारे पास तो अभी है नहीं इतना, और आप ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करना है, आपके मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैंने उनको मोबाइल दिखाया, तो उन्होंने बोला ये इस मोबाइल से हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। उन्होंने बोला हो जाएगा। तो फिर मैं एक चाहत शुरू हो गई मन में, उमंग पैदा हो गया घूमने का। तो मैं बाइक लेकर सीधा अपने गांव चले गया था। तो मैं सबसे पहला ट्रिप था मेरा श्रीनगर, गैरसैंण, जो हमारे वहाँ एक जगह का नाम है गढ़वाल वाले गढ़वाल क्षेत्र। में। हाँ गैरसैंण एंड श्रीनगर का, तो अच्छा एक वन नाइट हमने वहाँ पर बिताया था, और उसी मोबाइल से वीडियो बनाया, और रात भर बनाते रहे हम वीडियोस में। हाँ अच्छा रात बनाते रहे उसमें, और क्योंकि शौक था वीडियो बनाने का। हम्म, उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली आया, फिर उसको एडिटिंग करी मैंने हल्का सा, जो मोबाइल से ही होती है क्रॉप करके जो होती है, वही मैंने उसको क्रॉप किया। उसके बाद उसको मैंने YouTube में अपलोड कर दिया मैंने। जैसे अपलोड करके देखा, तो दूसरे के मोबाइल पर अपनी वीडियो देखी, तो बहुत खुशी हुई एक आपको लगा अब तो मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह एक सुपरस्टार बनी है। शौक थी एक। हाँ जी तो शौक वहां से स्टार्ट हो गया,
बनाया, एक ये दो कौन बनाए, से साल की बात है? ये 2015 की बात होगी शायद, अच्छा 15 या 16, 16 से 16 की। 16 की। तो गया गांव, तो एक बार तो गांव जा रहा था तो पीछे कपड़ों का झोला रखा हुआ था, तो झोले में लग गई आग, अच्छा बाइक में आग लग गई थी। तो पीछे से जो हमारे एक फौजी भाई आ रहे थे, तो उन्होंने आग को बुझाया था और तब जाके मेरी गाड़ी बच गई। उसके बाद अब आग लगने के बाद, उस टाइम पे बाइक की कीमत 50-56 हज़ार की बाइक आती थी उस टाइम पे, तो स्प्लेंडर गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, आग लग गई उसमें। तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि इस बाइक में लंबे सफ़र नहीं किया करते हैं, क्योंकि उसका इंजन छोटा होता है, वो लोकल के लिए ठीक होता है। अब मैं क्या किया कि दिल्ली से लेकर लगातार उसको ले गया वहाँ से। तो फिर उसके बाद मेरी वो उमंग वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर मैंने कहा यार क्या वीडियो बनाया, अभी हम गाड़ी में आग लग जा रही है और ऐसा हो रहा है, मोबाइल से ढंग से बन नहीं पा रहा है। तो 2016 से लेकर 19 तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, बस आपने दो तीन वीडियो हाँ, दो डाले। तीन वीडियो बनाए, छोड़ दिया मैंने, फिर खत्म हो गई वो। 19 में जब मैं लॉकडाउन की, उस टाइम चर्चा चल रही थी उस टाइम पे चाइना में, 19 लास्ट की बात आ रहा हूँ हाँ, आपको, दिसंबर में। दिसंबर में। तो मैं सुबह ऑफिस के जा रहा था, तो ऑफिस के जैसे नहा धो के आया, मैं शीशे के सामने गया तो मेरे यहाँ पे एक दो बाल सफेद दिखाई दिए, यहाँ पे सफेद दिखाई दिए। तो मेरे को एकदम घबराहट हो गई, मैंने कहा अभी से बाल सफेद हो गए, सफेद बाल तो बुढ़ापे में होते हैं, तो मैंने सोचा शायद बुढ़ापा मेरे पे भी आ गया है। फिर मैंने अपने मिसी से पूछा, मम्मी से पूछा मेरी उम्र कितनी हो गई, तो हाँ देखा तो यार मेरी उम्र पता नहीं उस टाइम 45 थी या 44 हो गई थी शायद। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा ऑफिस में यार बाल सफेद होने लग गए, अभी तो हम कहीं घूमे भी नहीं है, ये नहीं है। तो फिर 2019 जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर यूट्यूब का उमंग पैदा हो अच्छा, गया मेरा 20वें मार्च के बीस बाद। में। हाँ, 19 लास्ट तक मैं देखा था, 20 में जब लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो फिर मैंने घर बैठे चैनल शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे घर के अंदर सब कैद थे, क्या करूँ क्या करूँ। तो हमने कहा चलो टाइम मिल, समय मिल गया था, वीडियो बनाई, फिर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट हुआ, व्हाट्सअप द्वारा व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया, तो सब ने मिलकर आपस में हमने एक दूसरे से सब्सक्राइब करना ये सीखा। हमने सब्सक्राइब तो हो रहा था, अच्छे खासे बढ़ रहे थे हमारे, लोग देखने भी स्टार्ट कर दिए। तो मेरे को कुछ कुकिंग का भी शौक बहुत था। अच्छा, अभी हाँ मेरी भी मतलब स्टार्टिंग, आप जैसे कुकिंग वगैरह हाँ अब कर मैं बताता रहे हूँ हैं? आपको। तो घर में उस टाइम पे कुछ नहीं था, खर्चा काफी हुआ ऐसी बात भी नहीं है। तो कुकिंग की बहुत शौक थी मैंने, मैंने कहा बाहर की वीडियो तो हम बना नहीं सकते, चलो कुकिंग से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने एक कुकिंग का ही बनाया था, जैसे कि आपने पहाड़ी डिश, अपने गांव का खाना कैसे बनता है वो दिखाया, तो लोगों ने उसको देखा तो उनको अच्छा लगा, सब्सक्राइब भी मिले और वॉच टाइम भी मिला, और लोग फोन करके मुझे बोलते भी थे यार तो अच्छा बना रहा है, अच्छा बना रहा है। फिर एक दिन मैंने घर पर जलेबी बना दी, मैंने अरे वाह, वो सीख सीख के यूट्यूब में जैसे सीख के। यूट्यूब पे सब बना भी रहे थे ना, तब जलेबी बना रहा है कोई, तो मैंने रसगुल्ले बना रहे। जलेबी बनाई, और हमारे वहाँ की जो बहुत अच्छी डिश होती है, ये आपका क्या नाम है, भट, भट की दाल होती है ना, एक भट एक दाल होती चना? है, नहीं, नहीं काला भट होता है हमारे वहाँ पहाड़ों में, अच्छा जिसको सर्दियों में आजकल सेवन करते हैं उसका, अच्छा तो भट की तुरकानी बोलते हैं उसको, भट की तुरकानी बनाई, उसमें अच्छे खासे व्यूज आए और लोगों ने देखा, तो हमारे बुआ लोगों का ही फोन आया, तो वीडियो बनाने लग गया, ये है सो है। तो मैंने ऐसे से जैसे ही लोगों ने मेरे को दिया, मेरा प्रोत्साहन बढ़ते गया। तो कोई अगर एक कमेंट करता था तो मज़ा आने वाला था उसमें, बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुआ, करते गया करते करते, जैसे ही हमारा लॉकडाउन थोड़ा सा छूट मिली, फिर हमने घूमना स्टार्ट कर दिया। अच्छा तो शायद मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम गए थे मोरनी हिल, अच्छा मोरनी मोरनी हिल, हिल था। हाँ, टिकरताल मोरनी हिल। तो हमारे एक दोस्त थे, अच्छे खासे बाइकर हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ बाइकर गैंग भी है हमारे पास, अच्छा जहाँ भी आपका पूरा जाते ग्रुप है ग्रुप है वो। हमारा। हम कभी कभी संडे को मीटअप करते थे हम आपस में गुड़गांव में, अच्छा और एक गुड़गांव के अंदर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं कौन सा है, टाइगर हिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेपर्ड, लेपर्ड ट्रेल, लेपर्ड, लेपर्ड ट्रेल। अच्छा तो लेपर्ड ट्रेल भी हम गए, तो सारे ग्रुप में जाते थे, लोगों ने बैठे, तो एक दूसरे से व्यवहार होता था, और कपड़े पहनने का भी शौकीन थे। तो ये हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मुझे बाइक का शौक पड़ा, जब मैं अपने ग्रुप में सब लोगों से था, तो उनके पास अच्छी खासी बाइक हुआ करती थी उनके पास, तो मैंने सोचा यार मेरे पास भी एक बाइक होना चाहिए। फिर मैंने बाइक ली, तो बाइक में जो अभी जो मैं सफर कर रहा हूँ यामा की, वो है एफजेड। एफजेड को मैंने पूरा ऐसा बना रखा है कि जैसे हिमालयन, क्योंकि मेरी जो चाहत थी वो हिमालयन थी, अच्छा जैसे हिमालयन में होता है वैसे मैंने डेकोरेट हाँ, कर रखा, मैंने पूरा अपना, मैंने अभी नीचे जी देखी हाँ जी आपकी हाँ जी, बाइक। वैसे ही खर्चा कर रखा है, चाहे पैसे कितना लग जाए पैसे की परवाह नहीं करी। तो पैसे भी खर्च होता गया, फिर परिवार वाले भी मेरे से डांटने लग गए, तुम यूट्यूब चैनल में पैसा बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं होता इससे, तो कुछ नहीं होता इससे, मतलब फैमिली का सपोर्ट, जैसे जब आपने स्टार्ट करा तब किसी का सपोर्ट नहीं मिला क्या रिएक्शन था, जैसे जब आपने कि कहा? फालतू खर्चा कर रहे हो और
हर बेटे से लेकर बेटी बेटी से लेकर हमारी घरवाली सभी लोग मेरे को करते थे, डांटते थे। अब जब सिल्वर प्ले बटन आ गया है तब कैसा है? तब आज मेरे घर में सबकी खुशी है। जो मेरे को डांटते थे, जो मेरे हमारे बच्चों को भड़काते थे, आज उनका भी मेरे पास कमेंट आ रहा है कांग्रेचुलेशन करके। तो लेकिन इस यूट्यूब का जो हमारे महारथी है, जो जिन्होंने मुझे सिखाया आगे बढ़ाया, वो है अम्बाला में प्रमोद सैनी जी। तो प्रमोद, मैं अपना यूट्यूब का गुरु उनको मानता हूँ। जो भी यूट्यूब में कार्य करना, कोई मेल आता है या कुछ होता है, मेरे को इतना अनुभव बिल्कुल नहीं था। कैसे थंबनेल लगाते हैं, कैसे इंड स्क्रीन लगाते हैं, कैसे इसको करना है, कैसे मोनेटाइज होता है, कुछ भी एनीवे काम जो भी है यूट्यूब का, वो सब मुझे प्रमोद जी ने सिखाया था। तो आज भी मैं प्रमोद जी को नमस्कार कहता हूँ और उनको मानता हूँ और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ग्रुप चलाते हैं अपना और व्हाट्सएप में सभी लोगों का साथ देते हैं और इतने ईमानदार हैं कि क्या। मोरनी हिल में हम जब गए थे तो मेरे साथ मैं अपने साथ उनको अम्बाला से उठा के लेके गया था वहां पर जाने के लिए। तो वो वीडियो भी काफ़ी चली मेरी और बस चलते गए। फिर मुझे शौक हुआ लंबे लंबे ट्रिप का, कि लंबे लंबे ट्रिप मारने, जैसे एक राइडर होता है जैकेट पहनता है, तो वैसे शौक मेरे को भी आया। हमने देखा भी है आपके जो वीडियोज हैं उसमें, इतनी यंग एकदम बाइक वाली जैकेट, बाइकर्स जैकेट पूरी यूनिफॉर्म के साथ, और एकदम कैंपिंग, और कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। कैंपिंग भी करता हूँ, एडवेंचर करने का शौकीन हुआ मन में, क्योंकि लोगों को एक जिसकी वीडियो माध्यम से मैंने ये सब सीखा वो है राइडिंग विद पीस। अच्छा, सैम भाई उनको मैं बहुत मानता हूँ और अब तो खैर वो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, उनका नंबर भी मेरे पास है, मेरी उनके साथ मीटअप भी होता है यहाँ पे गुड़गांव में, एक बार मिले भी थे हम, तो उनको मानता हूँ मैं। तो राइडिंग का जितना भी कुकिंग वगैरह वगैरह सब उनसे सीखा हूँ मैं। अच्छा। तो मेरा मन भी वैसे करने को सीखा। तो अब लोगों को मेरे को जब लोग वीडियो देखते थे ना तो मेरे से बोलते थे तुम तो अपनी अपनी फोटो ज़्यादा दिखाते हो, मेरे को बोला। तो मैंने यार मन में ये बात आई, तो फिर मैंने सैम भाई को फ़ोन किया, राइडिंग विद पीस उनको फ़ोन किया कि सैम भाई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला जैसा तुम्हारा मन कर रहा है वैसे हिसाब से वीडियो बनाओ, आप दूसरी की बातें मत सुनो, दूसरे बोलो कमेंट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं ऐसे में, कई लोग फॉलो करते हैं कई अनफॉलो भी करते हैं इसमें, तो आपको जैसा लग रहा है आप उस हिसाब से करो बस। तो तब से मैंने फिर उसी हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। मेरी वीडियो है, मैं अपनी फोटो ना दिखाऊं तो किसकी फोटो दिखाऊंगा? और वही, क्योंकि आप इसे करिए अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए कर रहा हूं, और शौक में भी दूसरों की सुन के कि ये नहीं करना वो नहीं करना, अच्छी चीजें ऑफ कोर्स माननी चाहिए। और आपने जैसे आपने बताया प्रमोद जी के बारे में जी, जी। कि आप उन्हें गुरु मानते हैं, उनकी बातें फॉलो करते हैं, और बाकी जो मन दुखाने वाली बातें उनको छोड़ो, अलग है ना। हाँ, ये बात आप सही कहा आपने। तो जो जिन्होंने हमारी हमको उठाया वो प्रमोद जी है, जिनने मुझे सिखाया यूट्यूब के बारे में वो हमारे अवीर शाह जी हैं, हमारे सीनियर, हमारे बॉस थे। तो बहुत अच्छा लगा इसके बारे में, मैंने बहुत मेहनत करी इसमें, शौक के साथ साथ मेहनत भी किया, लंबे लंबे टूर किए मैंने। अभी तक मैं जितने राइडिंग कर चुका हूँ, मैं नेपाल तक होके आ गया, नेपाल तक होके आ गया। बाकी एक शौक है कि अभी तक मैं लद्दाख नहीं गया हूँ, बस लद्दाख भी शायद अगले साल चले जाऊंगा, कभी वहाँ कुछ गुजारा कभी कुछ गुजारा, इसके लिए जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कम से कम 15 दिन तो छुट्टी चाहिए चाहिए, और एक जॉब करने वाले बंदे को लगातार 15 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं आपके जो बॉस है, तो प्लीज इनको छुट्टी दीजिए, क्योंकि हमें लद्दाख की ट्रिप देखनी है। लद्दाख की वीडियो फाइनली मैंने अभी एक दो गाड़ी चूज की है अभी। अच्छा, आजकल मेरे मन में एक मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैंने जब चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ पहले, तब से फिर मैंने सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप सभी लोगों से, अगर आप भी राइडिंग करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे एक दोस्त हैं मयंक जी, जिनकी दुकान है शास्त्री नगर पे मेट्रो स्टेशन के पास, मैंने कई वीडियो बना रखे उनके विनायका सेल्स के नाम से, तो सारी सामान वहां से लिया है मैंने, और कुछ पैसों से लिया है, कुछ उन्होंने मुझे अपनी तरफ से भी दिया है। उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो भी राइडिंग का सामान चाहिए आप हमारे वहां से ले जाइए, आपके लिए सब सामान फ्री है। तो मैंने कहा सारा फ्री तो मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सारा सामान दिया है और उन्होंने मेरा सम्मान भी किया है। तो मयंक भाई जी को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना साथ दिया, इतना सामान दिया। आज के डेट में मेरे पास सामान की कोई कमी नहीं है, अब सारा सामान मेरा पूरा कमरा भर रखा है। अच्छा। स्टूडियो बना रखा मैंने पूरा कमरे का, एक तो पूरा कमरा भर रखा है। मेरे घर वाले बच्चे जो है सामान देख के परेशान होकर कितना सामान कहाँ लिया है, वो सोचते हैं शायद ये सारे खरीद के लिए, कुछ खरीदे हुए हैं कुछ मिले हुए हैं, तो ऐसा करके मैंने अपना ये। जैसे आपने अभी तक बताया, आपने कितने सारे लोगों को मेंशन किया, और मुझे लगता है कि हर किसी की जर्नी में हम बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि हमारा किसने साथ दिया, कुछ बन जाते हैं, कुछ पा लिया,
पीछे छोड़ते जाते हैं लोगों को, जी बट किस तरह आपने सबको एक्नॉलेज किया, सब आपको एक एक का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक पता है और आप उसको मानते हैं जी कि आप जो हैं आज उन्हीं की वजह से हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, भूलना भी नहीं चाहिए बिल्कुल किसी को। जी बिल्कुल, ये मेरी मानना है। और एक्चुअली में गाइस क्या है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं भी एक दूसरे को सिखाता हूँ उसमें कि अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो नैनीताल में क्या क्या आइटम, कहाँ पर रहना है आपको, कौन से होटल में रहना है आपको, कहाँ पर सस्ता मिलता है, कहाँ पर महंगा मिलता है, तो इस चीज के वाक्य मैं इसमें डालता हूँ और बताता हूँ लोगों को कि यहाँ पर सस्ता भी है, यहाँ पर महंगा भी है, रोड दिखाता हूँ बकायदा। लोग कहते हैं यार आपकी वीडियो में, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया तुम खाली रोड दिखाते हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप भी केदारनाथ जाते हैं तो आपको केदारनाथ का रोड के बारे में पता होना चाहिए ना कि रोड कैसे, कितने गड्ढे हैं, कितने क्या है, इसीलिए मैं उसको रोड दिखाता हूँ। ये खैर अब तो मैंने कम, क्योंकि पहले साहब बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने ऐसे जो बाई रोड के दिखाए, अब मैं कम डालता हूँ क्योंकि लोग ज्यादातर व्यूज देखने के शौकीन होते हैं और ज्यादातर ये, तो वही चीज में डालता हूँ उसमें। हाँ वो तो है कि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आपने अभी तक, मतलब ये तो हो गई आपकी यूट्यूब की जर्नी, जी हाँ जी हाँ, यूट्यूब से पहले बताइए और उससे अलग आप क्या पर्सन है आपकी लाइफ, पर्सन क्या थे फिर? अब हमारे तो बचपन का जो लाइफ स्टाइल था वो अलग ही था। अच्छा, बचपन में हम काफी मेहनती आदमी थे और गांव में रहा करते थे, गांव में पढ़ाई करी हमने। मेरा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, ग्राम जसपुर शालदेई। अच्छा। तो ये हमारा यहाँ से करीब 360 किलोमीटर की दूरी पे है, जो अक्सर मैं बाइक से 6 घंटे में पहुँच जाता हूँ। अच्छा। जी तो लोग कहते हैं यार तुम बाइक से क्यों आते हो घर, मेरे कहा मेरे को शौक ही इसी चीज़ की है, अब मैं क्या करूँ, मेरे को जहाँ जाता हूँ ना मुझे हर जगह गाड़ी चाहिए। अब गांव में क्या है ना, बस में जाना, बस पूरा एक दिन लगाती जाने में, आज रात को बैठते तो अगले दिन पहुँचते हैं वहाँ, तो इसमें क्या आपने बैठा 6 घंटे में। लोग कहते हैं जबकि मैं नॉर्मल स्पीड पर चलता हूँ, 70-80 से ऊपर जाता नहीं, 70-80 स्पीड पर तब देखता हूँ जब रोड की कंडीशन अच्छी होती है, वरना मैं 12 घंटे में भी घर पहुँचता हूँ रोड की कंडीशन देख के। तो ये है बात, और कुछ नहीं है। और बाकी जो मैंने 98 से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया यहाँ से। आप 98 में दिल्ली आए उत्तराखंड से? जी जी हाँ। अच्छा। तब से एक ही जगह जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और उसी में हूँ और संतुष्ट हूँ। आज मेरी नौकरी को करीब 20-25 साल हो गए। आज सोच रहा हूँ आपकी एक दो साल के बाद YouTube को अपना पूरा समय, YouTube को ही अपना समय दो पूरा, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे लद्दाख नहीं जा पा रहा हूँ तो वो उसके पीछे भी बिजनेस ये है, तुम्हारा सर्विस है, क्योंकि छुट्टी चाहिए हर जगह जाने के लिए। तो जैसा मेरे मन में अभी सपना है ना, तो मेरा सपना कहते हैं सपने तो खैर पूरे होते नहीं है, लेकिन हमारे आधे भी हो जाए तो मैं तब भी जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक बाइक राइड करूँ। जी मेरी एक तमन्ना ये है कि मैं भूटान जाऊँ और भूटान की वीडियो बनाऊँ, सबसे मन मेरी ये है बात। मतलब हम सब आपकी इन वीडियोस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और उससे क्या होता है ना, हमें एक आइडिया मिलता है कि अरे हम जब जाएंगे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हम जैसे हम अभी थोड़े टाइम पहले गए थे एक जगह, तो अब सबसे, अब मुझे लगता है हर कोई ही पहले यूट्यूब पे देखता है सबसे पहले किसी भी जगह के बारे में कि भाई वहां पहुंचना कैसे है, वहां के कैसे होटल्स हैं, वहां क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या खाने की चीजें अच्छी हैं, कहाँ कहाँ घूमें। तो अब जैसे आप ही जैसे व्लॉगर्स हैं जिनकी वजह से हम जैसे लोगों को आइडिया मिल जाता है कि कैसे अपना ट्रिप प्लान करना और कैसे अच्छे से, वरना क्या होता है नई जगह पर जाओ कुछ पता नहीं होता, पैसा ज्यादा से ज्यादा देकर आ जाते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं घूमने लायक वो नहीं, वो घूमनी रह जाती हैं। तो आपकी वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं इस सब में। जी हाँ, कई बार मैं केदारनाथ की, जब मैं 2 बार केदारनाथ हो चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि केदारनाथ तो बुढ़ापे में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक आपको सच बता रहा हूँ, मैं केदारनाथ जो गया हूँ घूमने के मकसद से गया हूँ, मैं कोई मतलब यात्रा के मकसद से नहीं गया अभी तक वहाँ पे। और यात्रा के मकसद से जो लोग जाते हैं वो अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो अभी तक मैं परिवार के साथ वहाँ पर नहीं गया हूँ। कई लोग कहते हैं पांडे जी अकेले अकेले चले जा रहे जी, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ऐसे ही 4 धाम यात्रा करते हैं तो वो तो फैमिली के साथ होता है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो वो एक आपका घूमने का मकसद होता है, वीडियो बनाने का मकसद। लेकिन मैं जो गया हूँ मैं वीडियो के ही मकसद से गया हूँ, उसी मकसद से मैं पूरा देख के आ गया हूँ। अब तो काफी लोग जा रहे हैं, हाँ। अब यंग, जैसे पहले क्या होता था 4 धाम हो गया, हाँ। या किसी भी ये जो है केदारनाथ बद्रीनाथ किसी भी जगह बुढ़ापे में लोग जाते थे, अब तो आप देख लीजिए यंग, मतलब मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं और कितने लोग जी हाँ जी सब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। बहुत जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, आजकल यूट्यूब के वजह से जा रहे हैं, इंस्टाग्राम की वजह से जाते हैं, रील की वजह से जाते हैं। लोग जो मन में होता है उस सिद्धा के हिसाब से नहीं जाते वहां पे। अभी बीच में देखा था, हाल ही में आपने एक लेडीज थी जो मुंबई से हैं, उन्होंने वहां पे कुछ रिंग आगरा वगैरह पहना दिए वहां पर हाथों में,
तो तब से केदारनाथ में बैन हो गया वहाँ पे, टेम्पल के ठीक आगे रिंग पहना दी। अच्छा, प्रपोजल प्रपोजल के लिए हाँ, वहाँ पे हाँ, जी, तो तब से केदारनाथ में बैन लग गया वहाँ पर, आप वीडियो नहीं बना सकते आप। तो ये हो गया वहाँ पे। और बिल्कुल, तो जब मैं केदारनाथ जाता हूँ मैडम, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ना वहाँ पे बहुत दया आती है घोड़े खच्चरों से। मेरे को एक बार, मैं किसी दोस्त के साथ गया था एक बार 2 साल 4 साल पहले, तो वो आधे रास्ते से खच्चर बैठ गए थे लेकिन मैं नहीं बैठा। मैंने कहा मैं खच्चर दे, जब भी मतलब ये लगा लो कि वहाँ के लोग जब खच्चर जब ऊपर को जाते हैं ना, 7 पन्ने तक टाइम नहीं देते हैं, वो जब खड़ा होता है तो तब भी उसको मारते हैं, ऐसा मैंने सिस्टम वहाँ पर देखा है। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आप यंग हैं सब कुछ है तो पैदल ही जाना चाहिए वहाँ पर, खच्चर में तो अवॉइड होनी चाहिए। खच्चर उसके लिए है जिसके हाथ पैर नहीं है, काम नहीं कर रहे, वो उसके लिए ठीक है, डोली है, लेकिन आप अगर यंग हैं सब कुछ हैं तो फिर आपको पैदल चलना चाहिए सुबह शाम। मैं जब केदारनाथ जाता हूँ सुबह 6 बजे रास्ता लगता हूँ और शाम को 6 बजे पहुँचता हूँ वहाँ, 12 घंटे में, 12 घंटे में, क्योंकि मेरा काम पैदल ट्रैक, पैदल ट्रैक करता हूँ मैं, और मैं पूरा बनाता भी हूँ ना, वीडियो बनाता हूँ तो बैठते बैठते, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है हाँ जी, तो इसमें सांस फूल जाता है उसमें, हमको आदत पड़ गई यहाँ की, यहाँ तो वहाँ हम जब पैदल चलते हैं ना तो सांस जल्दी फूल जाता है वहाँ पे, तो इसी वजह से। और जैसे मतलब हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं, खच्चरों की हालत बुरी है, तो लोगों को पहले प्रैक्टिस करके थोड़ा सा स्टैमिना बना के, ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करके, तब वहाँ के लिए सोचना। इसीलिए हम केदारनाथ की वीडियो बनाते हैं ना, हम जो जाते हैं हम बताते हैं कि ऐसा आओ ऐसा आना है, क्या क्या आपको कपड़े चाहिए वहाँ जाने के लिए, कैसे जूता पहनना चाहिए, आप एकदम फ्लैट जूता पहन के जाओगे ये फट जाएंगे खराब खराब, आप गिर जाओगे उसमें आप, तो वहाँ के जूते रबर टाइप के चाहिए जो कि पकड़ बना के रखे, और फिर जैसे ऊपर चढ़ोगे कब बारिश हो रही है क्या नहीं हो रही है वो सब आपको पता होना चाहिए वहाँ के बारे में। तो ये सारी पता है आजकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही पता सबको चल रहा है, और यूट्यूब चैनल माध्यम की वजह से हर जगह की जानकारी मिल जाती है, ये वाली बात है। तो तभी हम जाते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हर जगह की जानकारी मैं देता हूँ उसमें पूरा, उसमें यही मेरा मकसद है। अच्छा, आपने अभी तक कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है? मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया हूँ उत्तराखंड और हिमाचल। हिमाचल में मैं अभी तक शिमला हो गया, रामपुर हो गया, किन्नौर हो गया, एंड काजा स्पीति हो गया, और एक जगह और है क्या नाम उसका, हाँ यहाँ भी हो गया आगे, किन्नौर तो मैं मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है किन्नौर। अच्छा, बहुत बढ़िया किन्नौर है। अब तो मैंने ड्रोन शॉट ड्रोन ले लिया, अब मैं जब जहाँ भी जाऊंगा ड्रोन शॉट। हाँ जी, आप अच्छा, हाँ आपका अभी वो वाली वीडियो भी देखी थी ड्रोन वाली, तो वो क्या हुआ, वो चल नहीं रहा था? नहीं, सीख नहीं पा रहा हूँ ढंग से। अच्छा, अभी उसको सीख, अभी सीख रहा हूँ मैं। जो मैंने ड्रोन ले रखा है वो है तुम्हारा DJI का स्पार्क। अच्छा, रेट नहीं बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि और DJI स्पार्क एक बहुत बढ़िया है, उसमें 4K से लेकर सब कुछ क्वालिटी उसके अंदर है, लेकिन जो मैंने वीडियो बना दी अभी डाली है वो शायद 360 या 720 डाल दी मैंने उसमें। ओके, मेरे को सेटिंग का मालूम नहीं था बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उड़ाना सीख रहा हूँ, पहली बार मैंने गांव जाके ही ड्रोन उड़ाया था। पहले मैंने यहाँ दिल्ली में जमुना जी में उड़ाया था, तो यहाँ पर धुंधला दिखाई देता बहुत, क्योंकि उधर तो पॉल्यूशन बहुत है, तो फिर जब गाँव दिखाया मैंने देखा क्लियरिटी अच्छी दिख रही है, तो मैंने गाँव में उड़ाया, सीख रहा था वहाँ पर मैं, तो करीब मैंने 10 बार उड़ाया होगा, तब जाके एक वीडियो में डाल रखा मैंने। जैसे हमारा दिमाग है ना, वैसे वो ऐसे दिमाग उसमें भी डाल रखा है हर चीज का उसमें उड़ने का। तो जो पहली बार मैंने उड़ाया ना, मुझे बहुत मजा आया, देखा मैंने बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अभी 1-2 शॉट तो मैंने डाल के दिखा भी दिया आपको, और कुछ और है बाकी जो आप आगे वीडियो में डालूंगा उसको। ये ड्रोन उड़ाना भी एक कला है। और मतलब ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, आप इससे नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीजें भी सीख रहे हैं। जी हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आप अगर आप एक अच्छे खासे ब्लॉगर हैं या आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास आइटम भी अच्छे होने चाहिए आपके पास, जैसे कि GoPro ब्लॉग बनाने के लिए सबसे बेस्ट आइटम है GoPro, और आजकल लोगों के पास जितना पैसा है तो वो DSLR से बना रहे हैं, DSLR से और अच्छी बनेगी। सही बात। एंड अब मेरा शौक लास्ट यहाँ तक था कि मुझे ये लेना है, तो एक वीडियो मेरी अच्छी खासी वायरल हुई जिसने मेरे को सारा कमाल यहाँ तक सिल्वर बटन तक पहुँचाया मुझे। तो आप अपना बजट कैसे? अब तो बजट मैं YouTube से ही करता हूँ। अच्छा। और पहले मैंने अपने जेब से लगाया है। अच्छा। जी, मोनेटाइज के 2 साल तक जेब से लगाया है, क्योंकि मुझे बढ़ना है आगे, बढ़ना है बढ़ना आगे। जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, 10,000 के बाद फिर चैनल YouTube थोड़ा सा आपके वीडियो को आगे तक पहुंचाता भी है, तो मैं YouTube भी करता है उसमें, अच्छे से टैग उसमें लगाते हैं। आप कभी भी वीडियो डालो ना, जल्दबाजी ना करो आप, एक मैंने अभी अभी तक जो है टाइम की लिमिट नहीं करके, क्योंकि मेरे को मेल आया था कि आप अपने वीडियो के लिए एक टाइम रखो, सारी वीडियोस का टाइम फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, एक वीडियो फिक्स कर दो, चाहे शाम को 6 बजे कर दो, चाहे शाम सुबह के 8 बजे कर दो आप। अच्छा। एक टाइम फिक्स होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर फैमिली है उनको पता होता है कि हाँ ये इतने बजे उनकी वीडियो आती है। अब आजकल अभी तक तो मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, लेकिन अब आने वाले टाइम पर मैं एक टाइम फिक्स करूंगा, तो वो टाइम चाहे मॉर्निंग का बेस्ट रहेगा या फिर इवनिंग का, तो वो मैं कुछ लोगों से पूछूंगा अभी, जो मेरे और भी जानकार हैं जो बड़े बड़े राइडर, उनसे पूछूंगा मैं,
और काफी जानकार भी है मेरे जो बड़े बड़े राइटर हैं जिनकी वीडियो मैं देखता हूँ। सबसे बेस्ट वीडियो लगते हैं मुझे चिंतामणि जयपुरी की। अच्छा। वो उनको देख के उनकी वीडियो बहुत देखता हूँ क्योंकि लॉन्ग ड्राइव बहुत ज्यादा वही करते हैं। अच्छा। जो झारखंड से लेकर दिल्ली आते हैं और लद्दाख जाते हैं वो बहुत बहुत ही बेस्ट आदमी है और इतना बढ़िया आदमी है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। उसके बाद मैं देखता हूँ राइडिंग विद पीस की। राइडिंग विद पीस पहले बाइक राइडिंग करते बहुत ज्यादा पहले, लेकिन अब उन्होंने इशू जी गाड़ी ले ली है तो तब से उनकी वीडियो में अब इंटरेस्टिंग कम आ रहा है, क्योंकि जो पहले बाइक में उनकी वीडियो चलती थी ना कुकिंग करते हुए हर जगह तो वो अलग मजा था। अब उनकी जो वीडियो आ रही है वो कार का दिखा रहे हैं और रूफ टेंट कैंपिंग का दिखा रहे हैं, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आ रहा है। उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मुझे राइडिंग का ही है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई राइडिंग का, जहाँ पर हम खाना बनाते जा रहे हैं, मैगी बना रहे हैं कहीं पर, कहीं पर खाना बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। वैसे हम मैं घर में नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन बाहर जाता हूँ तो नॉनवेज बना लेता हूँ कभी कभी। अच्छा। तो ये वाली बात है तो करते हैं। और एक नाइट कैंपिंग करना पहाड़ों में एक आसान बात नहीं है, जज्बा चाहिए इसमें, हिम्मत चाहिए तब जाके। अच्छा, तो हाँ, जैसे आप नाइट कैंपिंग करते हैं तो आपके साथ कभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मतलब ये सब एक कहने की बातें हैं। कहते हैं कि आप नाइट कैंपिंग करते हो बाघ आ जाएगा, टाइगर आएगा, ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक आजकल दो पहियों वाला यानी कि मनुष्य है। आजकल हर जगह वाइन का बहुत शौकीन हो गए हैं लोग। आप अगर आप हिमाचल की तरफ जाते हैं, चार आदमी आपको दारू पी के नशे में मिल जाएंगे तो वही आप पे अटैक करेंगे सबसे पहले। बाघ अटैक नहीं करेगा आपको, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। ठीक। आप मैंने इतनी जगह क्या कहते हैं राइडिंग करी, कैंपिंग करी, मैं कहीं पर बाघ नहीं मिला, कहीं पर रात को कुछ नहीं आया। रास्ते में जरूर मिलता है बाघ। मैं जिम कॉर्पोरेट से जैसे अपने गांव की तरफ जाता हूँ, कई बार मुझे सामने से मिल जाता है। मैं और एक बात है, हमने तुम चाहे कितने हथियार रख लो उसको मारने के लिए कर दूंगा, लेकिन जिस समय मिलता है ना तब वो बॉडी काम नहीं करती। बॉडी काम नहीं करती उस समय। ये मैं पहले बता रहा हूँ, सब पसीने छूट जाते हैं और तो और सब पे निकल जाती हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं देखा है इतना डर, वो हाथ पर काम नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे कोई पैरालाइज हो गया। तो फिर उसके बाद बड़े बड़े जो राइडर हैं वो अपने साथ एक ऐसा यंत्र लेके जाते हैं कि कहीं पर कोई आदमी झगड़ा करने वाला मिल जाता है तो एक शॉट होता है, उसको टच करो तो वो आपको शॉट मारेगा। अच्छा, कुछ करंट टाइप। हाँ, करंट टाइप का होता है उसमें। तो एक तो उसमें दो तीन चार मोड होते हैं उसमें, तो चार मोड होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो कम होता है, जो फोर वाला होता है ना वो तो आदमी को पैरालाइज कर देगा फिर, अगर उसको शॉट आपको लग गया तो आज को। अच्छा। लेकिन ये चीज रखना बहुत जरूरी, कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, हमारे पास बहुत कीमती सामान होता है, ड्रोन होते हैं, कैमरा होता है, ये सब एक्सेसरीज महंगे हैं, बाइक होती है। अब वो हमसे छीन छान के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? तो हमको उस समय उस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। तो वो चीजें हमारे पास रहती है, हर राइडर के पास होता है, जो बड़ा राइडर होगा। ये तो पहले मेरे पास नहीं था लेकिन अब मैंने वो रखा हुआ है। हाँ, मतलब ये सब चीजें राइडर्स जो हैं उनको ध्यान भी रखना चाहिए, जो नए नए बच्चे हैं राइडिंग पे निकल रहे हैं, है ना। तो वो भी मैंने रखा हुआ है। और बाकी एक किसी ने बोला तुमने कुल्हाड़ी भी रखी है अपने पास, वो कुल्हाड़ी मैंने एक एडवेंचर की रखी है, कहीं पर कैंपिंग करूंगा तो लकड़ी जलाने का शौक होता है तो अपना लकड़ी काटी उसे और अपना जलाने का एक शौक होता है। ये बहुत तो वो मैंने अभी इस टाइप के मैंने बहुत करने की सोची है, अभी करी नहीं मैंने, कैंपिंग करी है लेकिन लकड़ी वाला और ये बॉन फायर का मैंने अभी नहीं किया अभी। तो कभी हम लोग चलेंगे आपके साथ, ठीक है? जरूर जरूर, हम लोग सब, और एक अच्छा सा बॉन फायर कैंपिंग। बिल्कुल। तो ये था सारी बातें। बाकी अब तो मुझे बहुत जगह अनुभव भी हो गया है, कई जगह हम दोबारा जाते हैं तो हम हमारे लिए वहाँ पे खाना पीना फ्री होता है। जो हम ब्लॉगर जाते हैं उनकी होटल की थोड़ा सा हम बना देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा रहन सहन और खाना पीने के लिए हमें छूट मिल जाती है। अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी जाते हैं तो आपको भी उसमें थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है। और नेक्स्ट टाइम से तो जहां भी जाएंगे मैं तो सीधे बोलने वाली हूँ उमेश पांडे व्लॉग्स देखते हैं ना, मैं उन्हीं के रेफरेंस से आई हूँ। हाँ, दिल्ली में ऐसी दिल्ली कई दुकानें भी हैं ऐसे जी। अगर आप सदर बाजार जाएंगे तो वहां भी ऐसी है। अच्छा। हाँ, सामान के ऊपर बात है ना आप। हाँ जी, हाँ। मोबाइल का नहीं बताया मैं, क्योंकि मोबाइल में गफार मार्केट में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि हमारी मोबाइल की दुकान ना दो। और नेहरू प्लेस की वीडियो बनाई मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, वो भी पूरा झूठा बाजार है। मेरे को बोलने की हमारा लैपटॉप, मैंने कहा लैपटॉप मैं लेने के लिए गया था, कह रहे हमारे यहाँ की वीडियो बनाओ लैपटॉप में आपको एक फ्री में देता हूँ। अच्छा। और 10,000 के लैपटॉप मिलते हैं वहाँ पे, कह रहे ऐसी वीडियो बनाओ और हमारी लैपटॉप बिकने चाहिए तो आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे। मैंने कहा मैं ऐसा काम मैं नहीं करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार करूं झूठे। 10,000 में, 10,000 में कौन सा लैपटॉप आता है? सही बात है। और फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दे देंगे, किसी ने खरीदा फिर वो सोचेगा कि 10,000 में लैपटॉप, जो समझदार बंदा होगा जो जिसके पास पैसे होंगे वो तो खरीदेगा नहीं, उसको खरीदेगा कौन? गरीब आदमी।
वो उनके झांसे में आ जाएगा, वो ले लेगा उसको, घर जाके फिर वो रोएगा। यही है, ये प्रीत बिहार में भी मार्केट है इसकी, वहाँ यहाँ भी यही हाल है। तो जिसको लेना है भैया, अगर ब्लॉगिंग करनी है तो स्टार्टिंग में अगर पैसा नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के, लेकिन अपने ऊपर एक गुरु होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु ज्ञान तो आप जानते ही है, डायलॉग बचपन से ही है, तो बिना गुरु ज्ञान तो मिलता नहीं है। जब तक आपने एक यूट्यूब अगर चैनल बनाओगे, जब तक आप उसकी विजन देखोगे, उसको गुरु नहीं मानोगे ना, तब तक कामयाबी कम मिलेगी आपको। ये है इसमें, मैंने अपने गुरु मान रखा जो प्रमोद जी है, हर चीज का उनका, वो इतने बढ़िया आदमी है ना, उनको कई लोगों ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया, और आज तक मैं उनको फॉलो करता हूँ और उन्हीं की बात मानता हूँ, जैसे वो कहते हैं वैसे मैं करता हूँ। आई थिंक आगे तक जो इंसान के साथ रह जाता है वो ईमानदारी ही है, झूठ बोल के आप थोड़े टाइम तक काम चला लोगे। बिल्कुल, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है जी। वो भी मेरे से कह रहे हैं यार तुम मेरा भक्त है तो हम आ, तुम मेरे से भी आगे निकल गया करके जी। तो मेरे को गम तो होता है कि मेरे गुरु को आगे जाना चाहिए, लेकिन आप किस्मत की खेल है, उनके पास टाइम नहीं है, वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। तो उनका चैनल अगर आप यूट्यूब चलाना सीख, अगर आप यूट्यूब चलाना सीखते हैं तो आप उनकी वीडियो देखो, उनका वीडियो का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है प्रमोद सैनी 143। ओके, प्रमोद सैनी 143, प्रमोद सैनी के नाम डालेंगे तो आ जाएगा। तो उनकी वीडियो यही है सब यूट्यूब के बारे में। कभी आपको कोई जैसे भूत प्रेत इस तरह का कुछ? मेरे को इस चीज, हम तो पहाड़ी आदमी हैं, हमारे पहाड़ में लोग बोलते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, कुछ नहीं देखा हमने पहाड़ों में। तो मैंने आपको रात भर ट्रैवल करते हैं, मैंने आपको ये बताया कि आपको अगर लेपर्ड मिल जाता है या बाघ मिल जाता है, कोई आदमखोर होगा जो अचानक ही ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने आज तक, और ना होता है। जब लेपर्ड बाघ तो करता भी नहीं, बाघ तो मैंने कई बार देख दिया, वो कभी अटैक नहीं करता है, अटैक करता है लेपर्ड। लेपर्ड के एकदम नजदीक पहुंच जाओगे ना, या अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही है तो तभी वो अटैक करता है, वरना लेपर्ड भी, हाँ लेपर्ड भी निकल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर काम करना है तो डरना नहीं है, और ना ही बोलने में झिकझिकाहट होनी चाहिए, झिकझिकाहट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने ये मन के सुना कि मेरा काम यही है अभी, पहले मैं भी शर्माता था, लेकिन जब लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारा तो काम यही है भैया, अगर तुमने यूट्यूब चलाना है या ब्लॉगिंग करनी तो आपको तो काम ही है, तो इसमें अगर शर्माओगे तो फिर खाओगे क्या, फिर करूँ क्या, कैसे कर पाओगे। और वैसे स्टार्टिंग में ना ये वीडियो कमाई के पर्पज से नहीं बनाई थी मैंने, मतलब यूट्यूब चैनल कमाई के पर्पज से मैंने नहीं खोला था, एक शौक था मेरा जी। आज उस शौक की वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा इनकम तो मेरी आती नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा बहुत जो इनकम आती है वो उसी इनकम को मैं निकल के निकल जाता हूँ मैं, ये बात। और घूमने का जो रही बात, जो बेस्ट जगह है वह है हिमाचल एंड उत्तराखंड, इनकी जो वादियां हैं, जो व्यू हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और व्यूज को तो मैं जब भी पहाड़ पे जाता हूँ, बाइक पे होता हूँ, अच्छे खासे व्यूज मिलते, देखने को मिल जाते हैं, आधा आधा घंटा करता उनको निहारता हूँ, देखता हूँ मैं, इतना शौक है मुझे आप पहाड़ से लगा लो आप, जबकि मैं सुकून भी मिलता है, वो सुकून भी मिलता है उसमें, ये बात है। आप जैसे बचपन से उत्तराखंड में रहे हैं, वहीं बड़े हुए हैं जी, हाँ। तो मतलब आपका मिट्टी से जुड़ाव भी है जी, हाँ। जैसे आप देखते हैं कि अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया उत्तराखंड में, बहुत इतने अच्छे हाईवे रोड्स ये सब बन गए, मतलब ये देख के खुशी भी होती है, लेकिन एक जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा जोशी मठ में, हाँ। में दरारें आ गई हैं जी, होटल्स में और जो वहां पर बिल्डिंग्स हैं उनमें, तो मतलब क्या एक दो पहलू हो गए, एक तो डेवलपमेंट जरूरी है, और एक क्या उस डेवलपमेंट का गलत फायदा होता है, उठाया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है उससे हाँ। रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन लोग एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, जैसे केदारनाथ के ट्रैक पे ही जब हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें लोग पानी पीते हैं, बॉटल वहीं छोड़ दी और गंदगी। ये आपने सही बताया, जब मैं पिछली बार तुंगनाथ गया था, तुंगनाथ के मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुंगनाथ भी एक हिमालय में है, ये केदारनाथ के पास ही है, तो मैं जहां भी जाता हूँ ना, मैं आपको ये मैं उसमें ये तो बोलता हूँ सबको कि यार आप यहाँ पर आए तो गंदगी भी ना करें, अपने साथ जो कूड़ा है ना कूड़े को साथ लेकर जाइए, जहाँ पर डस्टबिन मिलता है वहाँ पर डाल दीजिए। और इतनी बढ़िया फैसिलिटी उत्तराखंड के अंदर होगी, जहाँ भी देखोगे हर जगह आपको कूड़े की मिलेंगी, आपको डस्टबिन आपको हर जगह लगे मिलेंगे, चेयर मिलेंगे आपको लगाए हुए, हर जगह इतनी फैसिलिटी होगी, पहले कहाँ थे अब है। तो यही है कि आप जाते हैं, लोग यात्रा जाते हैं पानी की 20-20 रुपए की, पहले तो क्या था कि पहाड़ में ये बिस्लरी हुआ ही नहीं होती थी, लेकिन आज हर दुकान में बिस्लरी की बोतल बिक रही वहां पे पहाड़ में, जबकि वहां इतना पानी है, झरनों से पूरा मिनरल वाला, सबसे बिस्लरी में जितने मिनरल्स नहीं होंगे, चाहे कार वाले हो चाहे बस वाले, वो झरने से नहीं पिएगा, वो 20 रुपए की पानी की बोतल लेगा, लेकिन प्लास्टिक कहाँ फेंकेगा, बस से बाहर ऐसी फेंक देगा, रोड पे फेंक देगा, जहां पर कूड़ा कचरा, मतलब डस्टबिन में डाल कम, बहुत कम डालते हैं लोग, जो समझदार बंदा होगा वही डालेगा, बाकी सब ऐसी फेंक देते। ये है, ये देखा मैंने वहां पे, चाहे वो केदारनाथ देखो, चाहे आप तुंगनाथ जाओ, चाहे जोशीमठ, जोशीमठ की अपनी बात कही, जोशीमठ कि आपको हिस्ट्री पता ही है, वो तो सब देवनगरी है, वो एक हिमालय था पहले वो भी,
और वहां से पूरा हिमालय ही दिखाई देता सब, जी 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 जहां भी देखो आप, कंजेस्टेड बहुत हो गए वहां पे, बाहर के लोग बहुत बसे हुए वहां पे, अच्छा, और होटल खुल गए, केरला के आदमी हैं उनके भी वहाँ होटल है, झारखंड के आदमी हैं उनके भी वहाँ होटल हैं। तो होटल एक कमाई के पर्पज के हिसाब से, क्योंकि चार धाम जब यात्रा निकलता है उस टाइम पे आपको होटल में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, आप इतना मतलब फुल हो गए आप। चार धाम यात्रा को तो बहुत मानते हैं लोग हमारे हिंदू आस्था में, बहुत बहुत लोग मानते हैं। हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम वहां के दर्शन नहीं कर पा रहे, बाहर का आदमी वहां आ रहा है, सही बात है, बात ये है। तो हम जब मैं उस यात्रा में जब मैं निकला था बद्रीनाथ को, तो मैंने भी बहुत भीड़ देखा उसको, बहुत देखा। तो वहां पे भी जो ये अभी बता रहे ना कि जो दरारें जो पड़ी थी, ये पड़ी है, मैं बताऊंगा आपको। एक तो वहां पर हो गया है कंजेस्टेड बहुत ज्यादा, दूसरी बात क्या है ना कि वहां पे एक वर्क चल रहा है डैम का, जी, तो हर जगह खुदाई चल रही है, ग्रिल ठूस रहे हैं आजकल वो पहाड़ों में, विस्फोट हो रहा है वहां पर, तो इसी की वजह से वहां पर जो है वो सारी दरारें हुई है। कुछ और भी होंगे, पानी का एक, कोई कह रहे कि पानी की स्लो टूट गई है, कोई कुछ कह रहा है कुछ कह, लेकिन मेरा मानना जितना मैं वहां देख रहा हूँ, हर जगह जेसीबी चल रही है, हर जगह ड्रिल किया जा रहा है, हर जगह विस्फोट किया जा रहा है, रोड चौड़ी हो रही है। अरे इतनी रोड चौड़ी करने की जरूरत क्या थी, मतलब कह रहा हूँ रोड चौड़ी तो हो रही है, लेकिन एक बार दूसरी बार जब बारिश आ रही है फिर वो नीचे आ जा रहा है सारा, तो सारा मलबा फिर नीचे। शिमला में हुआ था, शिमला में हुआ था, शिमला तो खैर हमें तो बिल्कुल राइडरों के लिए नापसंद जगह है शिमला, देखने में ठीक है, लेकिन अब क्या बताऊं वहां के बारे में। एक तो वहां मैं जितने बार शिमला गया मैं उतने बार चलान हुआ वहां पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना मॉडिफाइड की हुई है जी। हमने एक्स्ट्रा लाइट लगा रखी इसमें, जो जो, जो जानकार होते हैं वो क्या करते हैं लाइट को बंद कर देते हैं, यानी कि जुलाब लगाते कपड़ा लगाते हैं, मेरे को पता नहीं था। तो मैं जितनी बार वहां पर, दो तीन बार चला गया हूँ, दो तीन बार जानकार गया मेरा वहां पे, मैं लाइट लगाई नहीं, सीधा साइड पर लगाते हैं, और बाहर का नंबर दिल्ली का नंबर देख के ज्यादा होता है। अच्छा, तो लाल बत्ती होने वाली ना, ग्रीन लाल बत्ती होने में जल्दी कर देंगे वो, चालान काटो भाई सीधा सा। तो ये किन्नौर जाता हूँ तो उसी रास्ते से मैं दो बार किन्नौर चला गया हूँ और काजास्पति एक बार गया हूँ। अच्छा, तो घूमने के लायक तो भैया हिमाचल तो स्वर्ग है और उत्तराखंड भी स्वर्ग है। सही बात है। अभी मेरे बहुत सारे जगह जाना है, जो मैं जाऊंगा अभी सब ठीक ठाक रहा तो ओम पर्वत जाना है। ओम पर्वत किधर पड़ता है? ये आपका नेपाल साइड पड़ता है। अच्छा, बीच में महाकाल नदी है और इस तरफ इंडिया हो गया, उस तरफ आपका हिमाचल हो गया ना, वो नेपाल हो, नेपाल हो गया। अच्छा, तो ये कैलाश के कुछ, हाँ कैलाश के पास ही है। अब तो हमारे इंडिया वाले ने रोड बना दी है, ओम पर्वत से होते, ओम पर्वत से होते हुए आप इधर से भी आप वहां जा सकते हो आप, ऐसा है उसमें। और जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो ओम पर्वत से, ये पिथौरागढ़ से है, वहाँ लोग जाते हैं, काफी लोग जाते हैं वहाँ पे, काफी हाइट पे है। और आई थिंक उसके लिए काफी प्रैक्टिस पहले, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और फिर आदमी को हेल्थी भी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए उसमें, तभी जाके आदमी जाएगा। अभी मैं बीच में जब मैं काजास्पति गया था तो मेरे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी वहां पे, तो उन्होंने हमको बोला रात को, मैंने कहा यहाँ तो ऐसा लगता है कि छाती पे कोई फुटबॉल घूम रहा है इसके अंदर, सांस लेने में जैसे सांस ले रहे हो ना फुटबॉल घूमता है, इस टाइप की दिक्कत आती थी वहां पे। तो मैंने होटल वालों को बोला, मैंने कहा बर्फ से हम इतना मतलब घुमाओ रास्ता है वहां पे, इतना देर हम पहुंचे वहां पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, रात को क्या कर, कोई मेडिसिन की सहूलत नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कपूर सूंघ लीजिए। अच्छा, तो उन्होंने चार पांच कपूर दिए, कपड़े बांधे, उसको सूंघा तो उससे फर्क पड़ा उससे। फिर मैंने कहा भैया इतने भी हमने जो है वो नहीं करना चाहिए, अब यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, अगर जिसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, और मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको वहां जाना भी ठीक नहीं है। तो मैं तो पहली बार गया था वहां पे, तो चारों तरफ जहां देखो सफेदी सफेद, तो वहां हमारा इंडिया का एक लास्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पे, एक हर बंदा जो जाता है वहां से एक चिट्ठी लेकर डालता है वहां से, देखो कि पहुंचता नहीं पहुंचता है। तो आपने डाली या नहीं डाली? मैंने भी डाल दी। अच्छा, तो पहुंची? पहुंचती है, थोड़ा लेट टाइम लगता है लेकिन पहुंच जाती है, एक शौक है वहां जाने का। और वहां से आप देखेंगे ना चारों तरफ मतलब बर्फ की चादर है वहां पे, तो एक वो वाली वीडियो मेरी जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी, उसमें एक कंटेंट गलत चला गया था। अच्छा, दो पोस्ट ऑफिस वाला था, मतलब जन्नत है, आप दिल्ली से बाहर कहीं भी जाओ ना जन्नत है। मैं आपको उतर उत्तराखंड और हिमाचल तो स्वर्ग है, अभी लद्दाख नहीं गया हूँ, लद्दाख जाने की सोच रहा हूँ, लद्दाख तो और भी स्वर्ग है, एक घास का तिनका नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए बर्फ ही बर्फ मिलता है वहां पे। ये है घूमने का शौकीन मैं, मुझे जो है ना घूमने का बहुत शौक है, इसलिए मैं जाता हूँ। मैं ये यूट्यूब मेरे व्यूज बढ़ेंगे मेरे पैसे बढ़ेंगे इसकी वजह से नहीं जाता, जब जाना तो जाना है डाल दिया, चल गया, चल गया, नहीं चला, चल गया, हाँ, सही तो ये वाली बात है। मेरे को जितना मैंने खर्चा कर दिया उतना YouTube से मिला नहीं है अभी तक। तो आप जैसे जब भी जाते हैं तो आपके पास क्या क्या
जरूरी सामान होता है? मेरे पास जरूरी सामान क्या होता है, जैसे कैंटीन कैंपिंग का होता है, टेंट लेके जाता हूँ, खाने पीने के बर्तन है, दो दो सेट होते हैं, क्योंकि मैं अपने साथ कभी कभी आप मेरे साथ कोई दूसरा बंदा भी चले जाता है, तो दो आदमी का खाना, दो आदमी का राशन उसमें होना जरूरी चाहिए। अच्छा। तो मैं जब राइडिंग लंबी राइडिंग में जाता हूँ, हमेशा दो एक बंदा और पीछे बैठ के जाता है। तो राशन में क्या खाने का लेकर? राशन में जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो मैगी बना लेते हैं, हमें उस टाइम पे क्या होता है ना, सफर में क्या होता है, फास्ट वाला आइटम चाहिए, जल्दी बन जाए। जहां पर हम रात को रुकते हैं तो वहां पर आराम से स्टे करते हैं, पर ये होता क्या है, ये वही बंदा कर पाएगा जिसके अंदर को ताकत जरूर होगा, नहीं तो वो आदमी वहां पर जाके पस्त हो जाता है। सही मैं आपको सही बता रहा हूँ, पस्त हो जाता है, उसकी इच्छा नहीं करती कि खाना बनाए, वो कहते हैं होटल में खा लो यार। सही में, सही में। लेकिन हमें जरूर है, शौक है, हम फ्री बनाते हैं जी, बनाते हैं। अच्छा, तो मैगी और क्या क्या आप ले जाते हैं साथ में? मैगी ले जाता हूँ, बिस्किट ले जाते हैं, जैसे यहाँ से दिल्ली से जाते हैं तो कुछ तला हुआ आइटम मैं खाता नहीं हूँ, इसीलिए मैं खाना खुद बनाता हूँ। अच्छा, क्योंकि आजकल तुम्हें पता ही है बाहर का आइटम तला हुआ नहीं खाना चाहिए, अपना खुद का दो रोटी सूखी मिल जाने वो तो वो आपके बॉडी में सही काम करेगा, तला हुआ खाओगे रास्ते में तबीयत खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? तो आपके पास फर्स्ट एंड बॉक्स भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राइडर हो जी, तो फर्स्ट एड छोटा भी थोड़ी सी चोट लगे कुछ होगी तो वो होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बाइक चलाते रहते ना नींद आती है, तो उसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत कुछ टॉफियां और चॉकलेट होनी चाहिए, जैसे आपको अगर मन लग रहा है कि मुंह सूख गया, गला सूख गया, तो आओ खुलते हैं। तीसरी बात, रास्ते में अगर लंबे सफर कर रहे हैं तो अगर नारियल पानी अगर आपको मिल गया, खाना नहीं मिला ना, तो एक नारियल पानी आपका बॉडी को पूरा कवर कर लेगा, आपको नारियल पानी ही चीज है, कहीं पर भूख भी नहीं लगने देगा और आपकी बॉडी दुरुस्त रहेगी एकदम। तो ये मैं पहले था मुझे पता, अब पता चल रहा है। एक बार क्या हुआ, मुझे नींद की झपकी लगी थी तो हल्का सा, तो मैं वहीं पर रुक गया, तो वहीं पर रुक गया था, तो पीछे वाला एक राइडर आ रहा था, उन्होंने बोला क्या होगा भाई, मैंने कहा ऐसी बात हो गई, नींद आ रही है, सोया नहीं हूँ, उन्होंने तो दिमाग खराब है, ये तो सो जाओ या फिर अपने पास कुछ चॉकलेट रखो। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने पास ड्राई फ्रूट रखता हूँ। अच्छा। किशमिश एक ऐसी चीज है, किशमिश बहुत बड़ी चीज है, किशमिश आपने कई लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा मैं किशमिश खाते हुए, तो किशमिश का अगर आप दो चार दाने डाल दोगे ना, तो वो किशमिश वो असर आपको एक डेढ़ घंटा असर करेगा आपको। अच्छा। क्योंकि किशमिश होता है खट्टा मीठा, हाँ जी खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, तो वो चटपटा मुंह में लग जाता है ना, तो उससे आपकी नींद गायब हो जाती है। तो थोड़ा एक काजू और दो किशमिश खा लो तो वो अच्छा रहता है, मैं यही करता हूँ ज्यादा यूज, यही करता हूँ ड्राई फ्रूट बस। और बाकी वो सेफ्टी के लिए आप जो बता रहे थे, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए करंट वाला टॉर्च और ये सब, जो सेफ्टी के लिए जो है वो पहले नहीं था मेरे पास, वो अब लिया है मैंने। अच्छा। एक टॉर्च टाइप का आता है जो हल्का सा झटका देता है, किसी पर टच कर दो, तो हर ये नहीं कि हर किसी पर टच करना है, वो एक अपने एक सेफ्टी के लिए रखा है, बाई चांस जी हमारे पास ड्रोन है या हमारे पास कैमरा छीन लेगा तो उसी पर लगाओ उसको, आप जरा से लगाओ अपने आप करंट लगाओ उसको बॉडी सुन हो जाएगा, एक मिनट में बॉडी सुन जाएगा, फिर आपने निकल जाए वहां से। तो ये इस टाइप के हमारे पास रखने पर होता है। दूसरी बात, कुछ जगह जाने के लिए परमिशन चाहिए, परमिशन भी मांगना होता है। अगर आप धारचूला, जगह का नाम है धारचूला, ओम पर्वत जाते हैं ना, ओम पर्वत जी जी। तो वहां का नाम है धारचूला। तो जब मैं धारचूला गया था तो धारचूला की एक कहानी बताता हूँ। हमारे भारत में जो है नेपाल के लोग काफी मजे मार रहे हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन हम लोग वहां आराम नहीं कर सकते नेपाल में जाके। अच्छा। हमारे लिए बहुत चीजों के लिए बैन है वहां पे। अगर आप बाइक लेके वहां जाते हैं नेपाल के अंदर, तो एक दिन का आपको 100 रुपया आपको पे करना होगा बाइक के साथ। अच्छा। ठीक है ना, हर चीज आपके पास कागज होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, और उनका बर्ताव भी वहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा। जब तक उनके होटल में रहोगे आप, तो उस समय तो आपको अच्छा बर्ताव करेंगे, आइए सर रहिए ये करिए, लेकिन जैसे ही होटल में आपकी फरमाइश जैसी जो होती है, उसके बाद फिर वो अकड़ना भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। अच्छा। ये देखा है मैंने वहाँ पे। अच्छा। और जब मैं धारचूला से नेपाल गया था पुल पार, तो वहाँ पे काफी उस पुल पे जो है उनकी सिक्योरिटी थी, BSF थी, और इधर हमारी BSF थी, तो चेकिंग होती है, तो कैमरा के बारे में मना करते हैं, लेकिन हम तो जेब में जाते हैं, हमने कहा हमारा तो काम ही यही है भैया, उन्होंने बोला था कि मेन चीज मत दिखाना, तो हमने मैं तो वहाँ के मार्केट दिखा के मैंने, और वहाँ का पूरा लोग दिखा के, वहाँ के नोट दिखा के, वहाँ के पैसे दिखा के मैंने, वहाँ गाड़ी का जो नंबर होता है वो इंग्लिश में नहीं होता है, वो सब नेपाली में होता है सारा। तो हमने बोला अपनी बाइक ला सकते हो, उन्होंने बोला यहाँ से मिला सकते, बाय रोड आओगे आप पैदल जा सकते हो, अपने वाहन लेके यहाँ नहीं आ सकते आप। अच्छा। तो जब मैं उसके बाद और अंदर घुसा तो मैंने वहाँ के जो रास्ते में मेन मेन चीज मिले, मुझे मिले शराब के ठेके जो वहाँ के नेपाल के थे, तो नेपाल के जो शराब के जो ठेका, जो शराब वहां, जैसे हमारे यहाँ का बैकपाइपर मशहूर है, वाइन कोई भी मशहूर होगा, तो वहां का जो मशहूर है वो है खुकुरी। तो खुकुरी एक बोतल है जिसकी कीमत है, उसने बताया थी मुझे 2200 रुपये की बोतल थी वो। वहां दारू बहुत महंगी है, हमारे इंडिया में दारू बहुत सस्ती है, वहां बहुत महंगी है, और वहां दारू हर कोई आदमी चला रहा है, वहां लेडी चलाती है, वहां दारू के जो ठेके चला रहे हैं वो लेडी चला रही है, तो वो मैंने वीडियो में दिखा रखा है, तो ये देखा मैंने वहां पर खास। और बाकी जो प्यार है बॉर्डर का हिसाब से, तो वो
इंडिया और हमारा बहुत अच्छा लिंक है उनके साथ, तो शादियां भी होती है उधर से इधर, इधर से इधर शादी भी होती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो ये प्यार देखा उनका मैंने खास कर भी बस। लेकिन मेजबानी में थोड़ी सी, मेजबानी में थोड़ा सा घमंड में, और हमारे यहाँ चाइना इतना का माल इतना इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ सारा टोटल माल चाइना का है वहाँ पे। अच्छा, स्वेटर से लेकर कपड़े तक वहाँ सब चाइना का मार्केट मिलेगा आपको, और कपड़ा मिलेगा आपको वहाँ पे। ये देखा मैंने वहाँ की खासियत। मेरा जो शौक है घूमने का वो है विलेजेस एरिया, मैं विलेजेस के, अब मैं जहाँ तक ख्याल है विलेज एरिया दिखाने के चक्कर में हूँ, और वहाँ का खान पान, हाँ, ये लोगों से, लोगों बात से करना, लोगों मिलना, गांव में अच्छा रहना, गांव का, तो मैं एक कुछ एक ट्रेल टाइप का वीडियो बनाने के चक्कर में हूँ मैं इस चीज में, जैसे रूरल बनाते हैं ना लोग, जी, तो जी। उसी हिसाब से मैं भी एक एक हमारे गुरु हैं जो उत्तराखंड के, जिनकी वीडियो बनती है उत्तराखंड की, उनका चैनल का नाम है रूरल ट्रेल्स। अच्छा, रूरल ट्रेल्स आप भी देखना। जी, तो रूरल ट्रेल्स एक संदीप गोसाई जी हैं जो पहले जी न्यूज में पत्रकार थे, अब उनने पत्रकारिता छोड़ के अपना चैनल चला रहे हैं और पूरा उत्तराखंड का कल्चर दिखा रहे हैं उसमें, गांव से लेकर हर चीज का कल्चर दिखाते हैं उसमें, बहुत बढ़िया। एक और है हमारे, ये वैशाली गाजियाबाद में रहते हैं, दो जुड़वा भाई हैं प्रिंस के नाम से, मानिला उत्तराखंड प्रिंस के नाम से हैं, तो वो यहाँ पे दिल्ली में अफसर है सब, उनका वो जुनून देखिए, उनका मेहनत देखिए आप, यहाँ वो चम्मच कांटों के साथ खाना खाते हैं, और गांव जब जाते हैं ना तो जमीन की खुदाई करते हैं, और जैसे एक महिला काम करती है हमारे वहाँ पहाड़ों में, वैसे ही वो दोनों भाई काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जुनून है खेती बाड़ी करने का और ये पेड़ लगाने का। अच्छा, लोग कहते हैं दिल्ली में रिटायर होंगे तो दिल्ली में कोठी खरीदूंगा, ये कर दूंगा, वो कहते हैं हम रिटायर होंगे तो हम कुदाल लेके जाएंगे गाँव और हम पेड़ लगाएंगे। आज उनके घर में मैं जब जाता हूँ ना, उनके घर में आपको ये मिलेंगे, आपको क्या कहते हैं काजू का पेड़ मिल जाएगा, आपको इलायची का पेड़, हाँ घर में ही, घर में लगा रखा उन्होंने अपने बागवानी में लगा रखा है, और लौंग के पेड़ लगा रखे हैं, इलायची के पेड़ लगा रखे हैं, कीवी लगा रखे हैं, कीवी, और हिमाचल से 500-500 रुपए 1000-1000 रुपए के पेड़ खरीद के लगा रखे सेब के, एक से एक वरायटी सेब है उनके वहाँ, आड़ू देखो, खुमानी देखो, पुलम देखो, आम देखो। तो उन्होंने वो सब इधर वैशाली में लगा रखे हैं? वैशाली में नहीं, वहाँ पहाड़ में, अपने गांव में, अपने गांव में, अपने गांव में। वो कहते हैं कि हमको इस चीज का शौकीन है, तो कहते हैं ना कि हर आदमी को अलग शौक है, मुझे घूमने का शौक है, उनको पेड़ लगाने का शौक है। उनके आप वीडियो देखना, कोई एडिटिंग खास नहीं होती उनकी, जैसे बनाते हैं वैसे डाल देते हैं, देखना देखो, नहीं देखना तो मत देखो। हाँ, सही बात है। तो जो हमारे कुमाऊं का, इंडिया गढ़वाल का जो भी हमारा एक यहाँ फेस्टिवल होते हैं दिल्ली के अंदर, तो वहां भी जाते हैं और रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, तो उनका चैनल का नाम है मानिला ट्विंस, तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे, और अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको भी मैं नमस्कार कहता हूँ, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है उनको भी, वो उनको भी शौक बहुत है, पर उनको शौक यही है बागवानी का, बहुत से लोग हैं, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है YouTube में ना सबके लिए एक एक जगह है अपनी, हाँ, हर किसी के लिए अपने ऑडियंस है, हर किसी के लिए अपना एक कॉर्नर है कि आप ये करो, उसके लिए कोई ना कोई है आपको देख रहा है। और YouTube के अंदर में अगर हम हर आदमी को, मैंने बताया आपको कि YouTube के अंदर में कि आप एक बंदा ऐसा बनाओ जो तुम्हारा गुरु होगा, अगर तुम्हारा कोई बड़ा यूट्यूबर है ना, तुम उसको अगर 100 वीडियो में 100 लाइक कॉमेंट भी करोगे ना, तो तुम्हारे को अपना नंबर जरूर दे देगा एक बार, अगर अच्छा होगा तो ईमानदार, वो जो कहेगा ये बंदा मेरा है, ये इससे कुछ सिखाओ उसको, तब जाके। तो एक गुरु बनाना, गुरु होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको, तो जब तक गुरु नहीं मांगो तब तक कामयाबी कमी है इसमें, मैंने जो मैंने देखा है बता रहा हूँ, इसलिए मैं गुरु मानता हूँ प्रमोद जी को, और राइडिंग भी तो सिखाऊँ, राइडिंग विथ से सिखाऊँ, और लंबे लंबे रॉन्ग जो बनाते हैं वो है चिंतामणि जयपुरी, जो भूटान तक होके आ गए हैं, अब कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत ज्यादा, चिरापूंजी भूटान, एक और है गुप्ता जी हैं, वो है एक्सट्रीम राइडर, वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं, तो बहुत सारे हैं। अभी आजकल तो झूठ बोलने वाले हजारों आ गए, झूठ बोलते हैं उसमें, ये कर दो, ये मेरे देखो, ये देखो, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, जेन्युइन चीज का देखो हर चीज में, और जेन्युइन चीज फिर बाद में खरीदो। जैसे मैंने आपको अपने एक्सेसरीज के बारे में बताया, ये हम जैसे नए क्रिएटर्स हैं जी, उनके लिए आप क्या टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहोगे, हम कैसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे? मैं आपको बताऊंगा कि इसमें है सबसे बड़ी मेहनत और किस्मत। अगर एक वीडियो में बताया आपको, मैं कोई तपड़ा यूट्यूबर थोड़ा हूँ, कोई नहीं, नहीं, मेरा कोई ऐसी नहीं है, मेरा इसमें वैसे नहीं है, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी और सारा कवर कर गया वो, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, शॉर्ट वीडियो ने सारा कमाल कर दिया और सारी मेरा मेहनत का फल मेरे को मिल गया। मत आए पैसे, कोई बात नहीं, हमें पैसे जब नहीं है, जितना मैंने खर्चा करते शायद आएंगे नहीं आएंगे मुझे मालूम नहीं, तो मैं लेकिन कह रहा हूँ बाद में, मुझे पैसों को वो नहीं है, मैं घूमने फिरने का शौकीन हूँ, आज भी जाता हूँ गाँव में, मेरे को तब मजा आता है जब मैं रास्ते में जाता हूँ, मेरे को लोग रोकते हैं और मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है उसमें, बहुत मजा आता है। और कई लोगों ने फोटो लगा रखे हैं, एक विकासन में एक
टू व्हीलर का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, गैरेज है ना, वो बहुत सम्मान करता मेरा बहुत। उसने मेरी अपने अपनी फोटो और अपने उसकी फोटो दीवार पर लगा रखी बहुत बड़ी, तो जब भी जाता हूँ उसकी दुकान में जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा है, मत हो लेकिन एक सम्मान मिलता है उससे ये। और डर भी लगती है कि क्या कहते हैं, कहीं पर गिर ना जाऊं या नहीं जाऊं। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपने बारे में, मेरे पास में दो कैमरे होते हैं, एक लगाता हूँ हेलमेट के यहाँ पे, एक लगाता हूँ ऊपर जो लगाता हूँ वो इंश्योरेंस का होता है मेरा, तो एक बार चिप लगाता हूँ तो 60 या 100 किलोमीटर तक कवर करता है, उसके फिर वहाँ रोक के मैं उसको रिलीट करता हूँ, फिर वहाँ से आगे शुरू करता हूँ। तो आप जहाँ भी जाना सबसे पहले सुरक्षा सेफ्टी होना जरूरी है, और राइडिंग जब भी करें पूरा सामान आपके पास होना भी चाहिए। और हिमाचल में तो अगर काजा स्पीति लद्दाख जाएंगे तो बिना सामान का आपको जाने भी नहीं देंगे। जैकेट अच्छी होनी चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए, तो नी पैड होने चाहिए, तो ये सारी आपके लिए होने चाहिए। और एंट्री होती है हर जगह, जहाँ से ऊपर को जा रहे हो तो पुलिस वहाँ पर थाने में एंट्री होती है, नाम पता लाइसेंस नंबर ये कितने दिन जा रहे हो। फिर अगर क्योंकि वहाँ बर्फ वाला एरिया है ना, बर्फ में आदमी को दब जाए पता नहीं चलेगा उसका, सही बात है, तो वहीं से पता चलेगा सर। फिर अगर दस दिन तो वापस नहीं आया फिर उसको खोज भी नहीं होती फिर उसके बाद में। तो ये चीज मैंने देखा है, ये अच्छा है, हमारे वहाँ भी है उत्तराखंड में और वो यहाँ हिमाचल में भी है। तो अभी तक हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और नेपाल, तो यहीं तक मैं राइड कर चुका हूँ, लेकिन अभी और आगे जाने का बहुत काफी मन है, अभी जाऊंगा पक्का। मतलब वही हार्ड वर्क के अलावा और क्या क्या चीजें हैं बस? और बाकी कई लोग यही बोलते हैं, यार तुम वीडियो कैसे बनाते हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आता है? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं वीडियो तब निकलता हूँ जैसे मैं 4-5 दिन की छुट्टी निकल जाता हूँ, तो उसमें पूरा कवर करता हूँ। मेरे लिए 10 मिनट का समय भी एक भारी पड़ता है गाँव में, मैं उस 10 मिनट को भी नहीं गवाता, उसमें भी वीडियो बना देता हूँ मैं जी। क्योंकि मैं आ रखा हूँ 10 मिनट में 10 रील ही सही, कैमरा तो घुमाना है आपको और क्या करना है। दूसरी बात है जो आजकल के जो बंदे जो सीख रहे हैं, आजकल जो नया जिनका यूट्यूब चैनल है उनको कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक टिप्स ये है कि आपने कोई भी वीडियो बनाई है उसको जो टाइटल है तो टाइटल में टैग लगाना बहुत जरूरी है, अंदर जो होते हैं ना उसके टैग लगाने पड़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आपने क्या करना है, जो टाइटल आपने बना रखा है तो उसको एक बार यूट्यूब में डाल के सर्च कर लेना है, तो जिसकी पहली वीडियो आती है तो उसने क्या क्या टैग लगा रखे हैं तो वो आप उसमें अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रखा है उससे पहले ही आप जितने टैग लगा सकते हो, जिस वीडियो को टैग लगा सकते हो, जिस वीडियो को नाम डाल सकते हो वो कर सकते हो, आप लगा सकते हो। लेकिन जिस दिन आपका चैनल अगर आप वहां पे सर्च के लिए जाएगा, मोनेटाइज के लिए जाएगा, तो उससे पहले आपको वो सारे टैग वगैरह वगैरह हटाने पड़ेंगे आप। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कंटेंट आपका खुद अपना होना चाहिए, दूसरे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या आपका कोई दोस्त है जो आपको कॉपीराइट नहीं देने जाता है तो या उसका लो आप, तो अपना खुद का कॉन्टेंट चाहिए। खुद यूट्यूब ये भी कहता है तुमने खाली वीडियो बना दी और तुम्हारी इसमें फोटो ना हो, तो YouTube ये भी कहता है तुम्हारा फोटो होना भी बहुत जरूरी है उसमें। अच्छा, आपका फोटो होना भी बहुत जरूरी है उसमें, तभी तो कहेगा कि हाँ तुम्हारी वीडियो आई। अच्छा। अब एक दोस्त थे हमारे, कोई फौजी थे, उनने बना बना के डाल दिया कि मैं तो फौजी हूँ, मेरे को तो पहचान लेगा ये है जो ये, और लास्ट में उन्होंने मोनेटाइज का ऑप्शन किया तो उन्होंने मोनेटाइज ही नहीं किया उसने, पता ही नहीं है कौन ये, उनने हर चीज को बना दिए। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं आपने गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो आपका पर्सनल मामला है आपका, ये यूट्यूब जो है कोई आप किसी की चोरी थोड़ा ना कर रहे हैं। तो आप YouTube बना रहे हैं तो आप अपना चेहरा डालो, कई बार अपना चेहरा भी दिखाओ उसमें, तभी उसको फिर वो मान्य करेगा। अच्छा। और मोनेटाइज भी करेगा, ये होता है इसमें। जो मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको सारी बता दी है। नहीं नहीं, ये जो बहुत जैसे मैंने किया है, मैंने किया ये सब बहुत हेल्पफुल है और ये सब इंस्पिरेशनल भी है जी। क्योंकि हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने मेरा भी देखा अभी इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, और मैं सही में मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ बट मैं उतनी ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाती। हाँ। तो ये सब ट्रिक्स हैं कि मुझे, जैसे आपने कहा आते ही कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालो, जितनी ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा लोग तक बात। YouTube तो ये कहता है कि डेली डालो, वो तो कहता है आप डेली डाल सकते हैं। सौरभ जोशी को देखिए, एक टाइम था जो सौरभ जोशी हमारे साथ था पहले जी, आज हम कई लोग बोलते भी यार वो हमारे साथ था, उसके वहां घर चलते हुए चलते हैं, भाग्य का लिखा हुआ है। तो कल को तुम भी तो बन सकते, सौरभ जोशी जरूरी है, आप भी बन सकते हो, उसमें से की बात है, किस्मत का खेल है, चल गई उसकी, होना भी चाहिए, हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है, है ना, कोई आदमी बढ़ रहा है ना तो उसको बढ़ना भी चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ यार सौरभ जोशी के बारे में गलत भी करते हैं। सौरभ जोशी जिस उम्र का है उसी उम्र के लोग उसकी वीडियो देखेंगे, बड़े बुजुर्ग लोग कम ही उसकी वीडियो देखते हैं, उसी के उम्र के जो लोग होते हैं वो ज्यादा वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। मेरी वीडियो है तो मेरी वीडियो को जो वही लोग देखेगा जो मेरे से शौक पालेगा, जिसका इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। आप बड़े बुजुर्ग के सामने टीवी लगा दोगे, वो क्यों देखेंगे हमारी वीडियो को, उनको शौक ही नहीं उस चीज का। तो ये इंटरेस्टिंग वाली चीज है, जिसको इंटरेस्ट है वो करेगा, ये वाली बात है इसमें।
तो इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप अपना वीडियो बनाओ, जितना आपको टाइम मिल रहा है जितना बना सकते हो बनाओ, लेकिन चलना ईमानदारी से है। अगर जरा सी चूक करी तो अगर सारी मेहनत बाद में अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी सारी मेहनत फेल हो जाएगी अगर वो यूट्यूब हटा देगा तो इसीलिए अपना कंटेंट डालो, चाहे हो या ना हो, कभी ना कभी होगा। मेरे को यहाँ तक पहुंचने में आज 2016 से लगाया दो लगा हजार लगा सोलह 16 जी से, सही बात लेकिन बीच में 2-3 साल काम नहीं किया था तब जी, जाके, लेकिन 2019 से लगा लो आज तक का कितने साल हो गए, 3-4 साल तो हो गए ना, 4 साल 4 साल हो गए। पूरे तो 4 साल के बाद कामयाबी हासिल, वो भी दिन रात लगा रहा, खुद ही एडिटिंग करता हूँ, परिवार वाले की भी सुनता हूँ। अब थोड़ा सा जो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कामयाबी हासिल हुई तो आज परिवार वाले भी मेरे से खुश हैं। आप आपकी वाइफ है वो अभी आपने उनको यूट्यूब से कुछ गिफ्ट विफ्ट दिए या नहीं दिए? मैंने यूट्यूब से तो उनको कुछ नहीं दिया, एक बार यूट्यूब का पैसा आया था वो उनको थोड़ा दिया था मैंने, और हाँ इसीलिए वो शिकायत कर इसीलिए। अब रहे जब पैसा आपके पास, सोच रहा हूँ कि जो पैसा आएगा मैं फैमिली को दूंगा, अपना जी दूंगा अब, क्योंकि मेरे पास सारे शौक पूरे हो चुके हैं। और जो सामान का था, शौक पूरा भी नहीं हुआ सामान का, सामान सामान तो लाना था का क्योंकि लास्ट रह गया था मेरा एक ड्रोन। जी तो इस बार सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, और एक वीडियो वायरल हुई और सिल्वर बटन तक दिला डाला, जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी कि जी मैं आज इतना पहुंचूंगा करके, लेकिन पहुंच भी गया। और उसके बाद उसकी जो थोड़ा बहुत पैसे आए वो मैंने एक ड्रोन खरीद लिया। तो ड्रोन अब अगले वाले वीडियो में आप देखेंगे, उसमें ड्रोन शॉट आपको एक से एक बढ़िया मिलेंगे, आपको बहुत बढ़िया नज़ारे मिलेंगे आपको उत्तराखंड के, जहाँ भी जाऊँगा ड्रोन शॉट। अभी थोड़ा सीख भी रहा हूँ आज। आप उसमें देखो मोबाइल से बनाओ पहले, जैसे हमने किया, मैंने पहले मोबाइल से बनाया, कुकिंग बनाई, फिर बाद में लोगों ने बनाया तुम ट्रैवलिंग करो, तुमने कुकिंग का भी डाल रखा है, उसको बंद करो। फिर मैंने बाद में कुकिंग का फिर वो हाथ से वो सेक्शन हटा दिया था मैंने कुकिंग का। तो खाना बनाने का भी शौकीन हूँ ना मैं बचपन से ही या गांव से। गांव से? हाँ अच्छा, तो गांव आपको में कैसा ट्रेडिशनल खाना या अलग अलग चीजें? मेरा ज्यादातर फेवरेट जो डिश है वो है साउथ इंडियन, अच्छा, मैं ये सांबर तो सबसे बेस्ट चीज मानता हूँ मैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके घर आने वाली हूँ जरूर हम साथ बनाएंगे, में हम सांबर बनाएंगे, जी भले टेस्ट उसमें हो ना हो, आप लेकिन हम शौकीन बनाते हैं हैं जी। हम। तो लास्ट क्वेश्चन, जी आप अपनी फिटनेस का राज बताइए हाँ, कि फिटनेस का मतलब राज इस उम्र में आके आप ना इतने ना लंबे लंबे सफर कर रहे हैं, इतने अच्छे वीडियोस, और मतलब एक जुनून है आप जुनून में ये है कि मैं बताऊंगा आपको, उसका भी ये कारण है कि मेरे घर वाली बोलती है तुम बुढ़े हो चुकी हो, ये चुकी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो, जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने आप को ना एकदम बुढ़ा मत समझो। ये आप ये सोचो बुढ़ापे में ये कहो कि मैं जवान हूँ, काम में जो मेरा मन का जो बात कहती मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए बात है। और बाकी बाल तो मेरा अब तो सफेद होने लग गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेहंदी लगाओ यार कलर लगाओ, मैं कलर लगाना नहीं चाहता, क्योंकि कलर जितना लगाओगे ना आप तो उतना ही ज्यादा तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे, तो वो लगाना नहीं चाहता। बद्रीनाथ जाना नहीं हुआ बहुत साल से, 2-3 साल से बद्रीनाथ जाता हूँ, बद्रीनाथ में मिलती है जड़ी बूटी। जी मैंने उसकी वीडियो देखी है हाँ जी, डाल के मैं उसका लिंक हाँ दे हाँ दूंगी। तो जड़ी बूटी मिलती है, तो वो जड़ी बूटी अगर आप, मैं कह रहा हूँ उस टाइम क्या था ना, मैं वो जड़ी बूटी लाया था लेकिन मैं कम लेके आया, एक दो पैकेट लेके आया बस, मैंने सोचा ऐसी बेच रहा हूँ, लेकिन जब वो असर करने लग गई तो मैंने सोचा यार यार मेरे को तो और भी लाना चाहिए था इसके और लाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं जा नहीं पाया वहां, अब के बाद जाऊंगा तो वहां से वो जड़ी बूटी और लेके आऊंगा खास मिला। और उसमें वहां पे एक शुगर पेशेंट की भी दवाई मिलती है, वहां पर जड़ी बूटी अच्छा मिलती है, जो मैंने 2 पैकेट लाया था शुगर की, उनको फायदा हुआ था। आज वो मेरे को बोले ला दे ला दे ला दे ला दे, तू जा मैं पैसे देता हूँ तुमको, अब तुम जाओ वहां से लेके आओ, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि हमारे परिवार में दादी जी गुजर गई थी, तो जब तक हमारे वहां 1 साल बरसी नहीं होती ना तब तक हम कहीं मंदिर मस्जिद में जा नहीं सकते हम। अच्छा जी हमारे वहां पहाड़ों में यह है कि तब तक मंदिर में आप दर्शन नहीं कर सकते, तो अब बरसी हो गई, पर अब जो सीजन आएगा अब इस बार में जाऊंगा पक्का, तो लेके आऊंगा। तो वो बहुत बड़ी चीज है, उसको अगर आप पानी के साथ जड़ी भिगाना है, पानी पीना है उसको खाली, बस बालों के लिए बालों के लिए, बाल अपने आप वो ऐसा है ना, जो बालों की जो जो मुझे लगा कमियां, कुछ लगाने वाला लगाने है। वाला नहीं है अच्छा वो कुछ हार्मोन टाइप के कुछ कमियां है ना उसमें, कुछ वो विटामिन खोज है जो कर पूरा करते देता है। पूरा कर देता हूँ अच्छा, उससे बाल दोबारा और उग। आपने उसका असर हाँ देखा? मैं देखा उसको असर मैंने तब देख। कई लोग मुझे बोलते हैं तुम यूट्यूबर बन गए अपने लंबे लंबे बाल रखा करो, मैंने कहा वो राक्षस वाली जिंदगी मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि लंबे बाल के लिए ना हर चीज की फिर बालों की वो देखभाल केयर केयर करनी करनी पड़ती है, और हमारे सर पर होता है हेलमेट, अब तो हेलमेट की वजह से लंबे लंबे सफर करके जब बाल भी कुछ कम से होने पड़े लगे इसमें, जी। तो इसी वजह से। अच्छा नहीं, वो हमारी बात अधूरी रह गई, जी आप अपने सेहत का राज बताइए। सेहत का रात कुछ नहीं है, नेचुरल चीज खाने का शौकीन हूँ मैं, अच्छा और दूसरी बात यह है कि जूस पीता हूँ, जो हर सीजन का जो फल आते हैं उन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि फल के अंदर जो ऐसी विटामिन है जो आपके शरीर में पूरा वो करता है। और मैं बाहर का अवॉइड करता हूँ खाना, तला हुआ चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
जी तो इस टाइप का करके, तो बाकी और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सुबह शाम अपना व्यायाम वगैरह वगैरह कर लेते हैं, बस यही हमारा है। फिट है, कोई चीज़ की लत पड़ जाती है, घूमने फिरने कहती है तेरे कमर में दर्द नहीं होता है, मैंने कहा दर्द नहीं, अब लगा आदत पड़ गई हमारे को। क्या बात है और कई जी। हमारी उम्र के जो भी लोग हैं, मेरी उम्र ज़्यादा उतनी भी नहीं हुई, लेकिन लगभग लगभग 48 साल की हो गई मेरी उम्र, तो हमारे जो उम्र के लड़के हैं कितनों को तो शुगर हो गया है जी और कितनों के पेट में दर्द हो गया है, किसी को क्या हो गया है किसी बार के, लेकिन भगवान की कृपा ने हमारे को अभी हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अभी ठीक है अभी भी। आप ऐसे ही रहेंगे, हम सबकी विशेष हैं आपके साथ। जरूर, ठीक है, धन्यवाद आपका। ब्लॉगिंग करो सच्चे मन से करो और भगवान आपके साथ है, मेहनत आपका साथ है और एक ना दिन मेहनत आपके रंग जरूर लेके आएगी आपके लिए। और यूट्यूब चैनल का नाम है ब्रिंग इट ऑन और इनका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, इनको सपोर्ट करें। और और यही सब चीजें जी मैं आप सभी से भी कहना चाहती हूँ। उमेश पांडे व्लॉग से के नाम से है पांडे जी का चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसकी सारी वीडियोस देख डालिए। आपको ट्रैवल का मन है, प्लान करना है, आप जी उसमें से देखिए, जो भी ट्रैवलिंग प्लान है, ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज है। जी जरूर जरूर, और शेयर भी कर दीजिएगा जी बिल्कुल, बस। थैंक यू सो मच।